Hello student, today we are starting next topic of decimal system chapter. This is decimal in words and figures. अब decimal को words और figures में किस तरीके से देखते हैं? Suppose आपको example दिया है 1244 divided by 100, okay? इस तरीके से आपको fraction में दिया. Fraction को पहले सबसे पहले आप किसमें convert करोगे? Decimal में. ठीक है, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो नीचे जितने जीरो होते हैं उतने डिजिट को छोड़ के, यहाँ से मतलब राइट साइड से उतने डिजिट को छोड़ के हम क्या करते हैं, पॉइंट लगाते हैं. टू जीरो है तो राइट साइड से टू डिजिट को छोड़ेंगे और क्या आएगा, पॉइंट. सो क्या हो जाएगा, 12.44. ठीक है, अब इसको वर्ड में किस तरीके से लिखते हैं? वर्ड में लिखते हैं 12.44. इस तरीके से हम इसको क्या लिखेंगे, वर्ड में लिखेंगे. ये तो बात हुई डेसिमल इन वर्ड्स एंड फिगर्स के बारे में. अब हम बात करते हैं कि इसमें मल्टीप्लाई और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किस तरीके से करते हैं. हाउ वी मल्टीप्लाई डिवाइड इन डेसिमल. सो फर्स्ट हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की. मल्टीप्लिकेशन हम इसमें किस तरीके से करते हैं, अगर आपको कोई एग्जांपल दे रखा है 5.5 मल्टीप्लाई बाय 1.2, ठीक है, 15.5 मल्टीप्लाई बाय 1.2. अब इसको किस तरीके से आप मल्टीप्लाई करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, डेसिमल पॉइंट को हटाओगे. डेसिमल पॉइंट को रिप्लेस करने के लिए हम क्या करते हैं, जब हम डेसिमल पॉइंट को रिप्लेस करते हैं, डेसिमल पॉइंट को हटाते हैं, तो किससे रिप्लेस होता है, किससे रिप्लेस होता है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1, देन 1 लिख के 1.0. ओके, पॉइंट के बाद जितने डिजिट है वहां पर नीचे उतने ही जीरो आएंगे. ठीक है, यहाँ क्या आ गया 10. अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, देन 155 हो गया मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 10. अब क्या करते हैं, 155 मल्टीप्लाई बाय 12. अब देखिए करके देखिए, 155 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 5 60, 0 एंड 6, 60 प्लस 6 66, 12 ऑन सा 12, 12 प्लस 6 18. ठीक है, तो आंसर है 1860 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 100. ओके, नाउ नीचे कितने जीरो है, 2 0, दैट 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट हो जाएगा 18.60. ओके, नाउ हमेशा डिजिट राइट साइड से छोड़ना. ठीक है, 0 और 6 छोड़ा फिर पॉइंट लगाया, देन 1 और 18 लिखा. ओके, 18.60. इस तरीके से हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन किया. अब हम बात करते हैं डिवीजन हम किस तरीके से करते हैं, डिवीजन हम किस तरीके से डेसिमल सिस्टम में करते हैं. डिवीजन में देखिए, अगर आपको दे रखा है 15.3 मल्टीप्लाई बाय, या फिर ये देख लीजिए 45.45 मल्टीप्लाई बाय 1.5. ठीक है, ये आपको दे रखा है 45.45 मल्टीप्लाई बाय 1.5, इसको सॉरी डिवाइड बाय, डिवीजन कर रहे हैं डिवाइड बाय. ओके, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, तो आप किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट को रिप्लेस करेंगे. डेसिमल पॉइंट को हमने जिस तरीके से अभी रिप्लेस किया उसी तरीके से करेंगे, पॉइंट हटेगा नीचे, वन लिख के 20, यानी कि क्योंकि क्या है, डेसिमल प्लेसेस कितनी है, 2. ठीक है, डिवाइड 1.5, डेसिमल पॉइंट रिप्लेस होगा, नीचे आ जाएगा 10. ओके, नाउ डेसिमल पॉइंट तो हट गया, अब इसको सिंपल नंबर में लिखेंगे. ठीक है, अब डिवाइड को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं. जैसे आपने फ्रैक्शन चैप्टर में पढ़ा था, जब आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हो तो क्या हो जाता है, इसका रेसिप्रोकल, डिवाइड के बाद जो फ्रैक्शन आता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है. तो क्या होगा, 4545 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 15. ओके, जीरो से जीरो कैंसिल, अब 15 की टेबल से ये कैंसिल होगा 309. ठीक है, अब क्या आ जाएगा, 303 डिवाइड बाय 10, 10 तो 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट, देन 3 फिर पॉइंट 03, तो क्या आ गया आंसर,
30.3। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया, डिवाइड किया। इसी तरीके से हम मल्टीप्लीकेशन और डिविजन को करते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट।